नमस्कारम, मैं मेघा गंगराड़े फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ नए आसनों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे पुराने वीडियोस को देखकर अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कुछ समस्या हो तो हमें ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ सोमवार और गुरुवार के दिन ही आपको नए वीडियोज़ दिखाएंगे, बाकी के दिन आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। आज हम देखेंगे कि बैठकर आसन कैसे किए जाते हैं और उसका सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन। बैठकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सामने देखना है आपको। हम कर रहे हैं वक्रासन। सीधे पैर को मोड़ कर लाना है, उल्टे पैर के घुटने के पास रखना है, सीधे हाथ को पीछे रखना है आपको आपकी रीढ़ की हड्डी की सीध में, उल्टे हाथ को उठाकर इधर लाना है, सीधे पैर को क्रॉस करना है। या तो हाँ, आप हाथ यहाँ रख सकते हैं नीचे, या फिर आप सीधे पैर के एंकल को पकड़ सकते हैं, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा करें। और फिर हमें सीधी तरफ से पीछे की तरफ मुड़ना है। कोशिश करनी है आपके चिन और आपका जो कंधा है वो एक सीध में हो। कुछ सेकेंड होल्ड रहना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, सांस रोककर नहीं रखना है। अब आएंगे हम धीरे से वापस, पहले लेकर आएंगे गर्दन, फिर लेकर आएंगे उल्टा हाथ, फिर सीधे हाथ को रखेंगे यहाँ साइड में और पैर सीधा। अब इस आसन को वापस करेंगे हम उल्टे पैर से, क्योंकि ये है ट्विस्टिंग वाला आसन, दोनों तरफ से करना ज़रूरी है। फिर लेकर आएंगे उल्टे पैर को, सीधे घुटने के पास रखेंगे, उल्टा हाथ रखेंगे पीछे की तरफ, सीधे हाथ से उल्टे पैर को इस तरह से क्रॉस करेंगे वापस। या तो हाथ नीचे रख लीजिए या तो पैर का एंकल पकड़ लीजिए और उल्टी तरफ से पीछे मुड़ जाइए वापस। आपके चिन और आपका जो शोल्डर है एक सीध में होना चाहिए। आपका वज़न आपके उल्टे हाथ पर, पीछे जो हाथ रखा है मतलब, उस पर नहीं आना चाहिए। ब्रीदिंग नॉर्मल, कुछ सेकेंड होल्ड रहने के बाद हम आएंगे धीरे से वापस। पहले लेकर आएंगे गर्दन, फिर लेकर आएंगे सीधा हाथ, उल्टे हाथ को रखेंगे साइड में, पैर सीधा। अब करेंगे बैठकर दंडासन। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ लटका देंगे और ब्रीदिंग नॉर्मल। आसन करते टाइम जो हमारी श्वास बढ़ी हुई रहती है उसको नॉर्मल करने के लिए हम हर आसन के बाद उसका विश्रामदायक आसन करते हैं। अब करेंगे हम अर्धमत्स्येन्द्रासन। फिर से बैठकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथ साइड में, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों पैर मिले हुए। अगर आपने वक्रासन को पहले सीधे पैर से शुरू किया है तो आप अर्धमत्स्येन्द्रासन की शुरुआत उल्टे पैर से करेंगे। उल्टे पैर को लेकर आएंगे सीधे पैर के पास, इस तरह से थाइस से लगा कर रखेंगे, सीधे पैर को उठाकर लेकर आएंगे उल्टे घुटने के पास, इस तरह से रखेंगे, उल्टे हाथ को उठाएंगे, सीधे पैर से इस तरह से क्रॉस करेंगे और अंगूठा पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हो जाता है वो पूरी तरह होल्ड करेंगे, इस तरह से फिंगर लॉक बनाएंगे, सीधे हाथ को कमर के पीछे से लेकर आएंगे और कोशिश करनी है आपकी, आपका जो उल्टा पैर की थाई है उससे टच करने की, और सीधी तरफ से पीछे की ओर देखेंगे, कुछ सेकेंड होल्ड रहेंगे, फिर धीरे से गर्दन वापस लेकर आएंगे, सीधे हाथ को वापस लाएंगे, उल्टे हाथ को साइड में रखेंगे, सीधे पैर को सीधा करेंगे और उल्टे पैर को इस तरह से सीधा करेंगे। अब हम इसी आसन को करेंगे सीधे पैर से, दाएं पैर को लेकर आएंगे, बाएं पैर की थाई से इस तरह से लगाएंगे, बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे, अब दाएं हाथ को उठाकर बाएं पैर को क्रॉस करेंगे,
बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से इस तरह से होल्ड करेंगे। बायां हाथ कमर पे जाएगा पीछे की तरफ और दाएं पैर की थाई को टच करने की कोशिश करेंगे। बाईं तरफ से पीछे की तरफ देखेंगे। कुछ सेकंड होल्ड रहेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे से आएंगे वापस, पहले लेकर आएंगे गर्दन, बायां हाथ साइड में, दाएं हाथ को भी रखेंगे यहाँ साइड में, बायां पैर सीधा, फिर दाएं पैर को भी सीधा करेंगे और बैठकर दंडासन करेंगे। आपके शरीर पर कहाँ पर दबाव, कहाँ पर खिंचाव हुआ है उस पर ध्यान देंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, बैठकर करने वाले आसनों की। फिर से पहली पोजीशन में आएंगे, गर्दन सामने, पीठ सीधी, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे, धीरे से हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, हथेलियाँ सामने, हाथों को स्ट्रेच करेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे, अंगूठों को लॉक बनाएंगे और सिर को घुटनों से टच करना है। फिर धीरे से आएंगे वापस। अगर आप शुरुआत में अंगूठों को इस तरह से लॉक नहीं बना सकते हैं तो आपके हाथ जहाँ तक जा रहे हैं ना, आपको वहीं तक रहना है, घुटनों को ऊपर नहीं उठाना है। या तो आप एंकल पकड़िए और धीरे धीरे खुद को रोज़ आगे की तरफ पुश करिए, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो फिर आप आसन लगा पाएंगे। ये हमारा फाइनल पोजिशन। धीरे से आएंगे वापस, हाथ ऊपर की तरफ, दोनों हथेलियाँ एक दूसरे की तरफ करेंगे, धीरे से हाथों को लेकर आएंगे नीचे की तरफ, हथेलियाँ नीचे की तरफ करके हाथ रखेंगे साइड में। अब करेंगे हम इसका विश्रामदायक आसन। लंबा गहरा श्वसन करेंगे ताकि हम खुद को एक नए आसन के लिए तैयार कर सकें। अब करेंगे हम उष्ट्रासन। फिर से बैठकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सीधे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, पैर को मोड़कर रखेंगे, उल्टे हाथ से उल्टे पैर के अंगूठे को पकड़कर इस पैर को भी मोड़कर रखेंगे। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। धीरे से घुटनों पर खड़े होना है, दोनों पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ। अब आपको दोनों हाथों को ऊपर से पीछे की तरफ ले जाकर आपकी एड़ियों को पकड़ना है, होल्ड करना है। इसमें अंगूठे आपके अंदर की तरफ और चारों उंगलियों को इस तरह से बाहर की तरफ रखना है। कुछ सेकंड होल्ड रहना है। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ। अब हम इसका काउंटर पोज करेंगे, विपरीत आसन, शशका आसन। दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेच करना है और आपके सिर को आपको जमीन से टच करना है। इसमें कुछ सेकंड रुकने के बाद हम आएंगे धीरे से वापस। सीधे पैर को खोलकर सामने की तरफ रखेंगे, फिर उल्टे पैर को रखेंगे। इसका करेंगे विश्रामदायक आसन, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब करेंगे हम सुप्त वज्रासन। फिर से बैठकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, सीधे पैर को फिर से हम रखेंगे इस तरह से मोड़कर, फिर उल्टे पैर को लेकर आएंगे इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। दोनों घुटने सामने से मिले हुए और दोनों पैर पीछे से आपको खोलना है, इस तरह से नीचे की तरफ बैठना है। अब धीरे से कोहनियों का सहारा लेकर आपको जमीन पर लेटना है।
सीधे हाथ को लेकर जाना है उल्टे कंधे के नीचे और उल्टे हाथ को लेकर आना है आपको सीधे कंधे के नीचे और इसी पोजीशन में आपको लेटे रहना है। कुछ सेकेंड होल्ड रहने के बाद धीरे से हाथों को वापस लेकर आएंगे, कोहनियों का सहारा लेकर धीरे धीरे उठेंगे, पैरों को धीरे से खोलेंगे और हम करेंगे विश्रामदायक आसन। सुप्त वज्रासन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके डाउन शोल्डर्स होते हैं, जो थोड़ा झुककर चलते हैं। अगर वो दिन में 2-3 बार इस तरह से सुप्त वज्रासन में लेटते हैं तो उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। लंबा गहरा श्वसन करेंगे। अब आएंगे हम धीरे से वापस। आज आपने देखा कि वक्रासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, शशका आसन और सुप्त वज्रासन कैसे किया जाता है। उम्मीद है आप इन आसनों की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है या आपको कोई समस्या है तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमें सोशल मीडिया YouTube और Facebook पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हम फिर मिलेंगे नए आसनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।